वजह तो खासकर तो ये रही कि जो पार्टी की हमारी नीतियाँ थी वो मैं जी कभी किसी से साथ समझौता कभी किसी के साथ समझौता वो बार बार तोड़ने से सिरे ना चढ़ने से तो वर्कर नाराज हुआ, वर्कर एक तो वर्कर नाराज हुआ और उधर अपना जो हरियाणा का माहौल है वो सारा भाजपा के खिलाफ जा रहा था। भाजपा की जो नीतियां हैं वो बहुत गलत नीतियां हैं, चाहे वो मजदूर के हक में है, छोटे व्यापारी के हक में है, चाहे किसान के हक में है, सारे जो कानून बना रहे हैं वो सारे दलित विरोधी और किसान विरोधी और छोटे व्यापारी के विरोधी बना रहे हैं। आने वाले टाइम में जो माहौल बना रहा है हरियाणा का, खट्टर सरकार रही तो हमारे बच्चे सड़क में भी मोटरसाइकिल लेके नहीं जाएंगे, अगर किसी का चलान हो गया तो माँ बाप अंदर जाएंगे। तो ऐसी कानून बढ़ाओ, कम से कम ऐसा कानून तो हो जिसका कुछ हल निकले। अगर बच्चे को शौक है किसी तरीके का उसकी उम्र कम कर दें, जो चलान किया या चलान कम करें उसको, तो और कई ऐसी बातें हैं जो हरियाणा सरकार की जनविरोधी थी। मैंने सोचा भी बहन जी का ने तो किसी के साथ समझौता रखना नहीं, रखना तो तोड़ देना, वर्कर ख़त्म हो जाते थे। मैंने डिसीजन लिया भी आज के टाइम हरियाणा भाजपा सरकार को टक्कर दे सकता है और उसकी गलत नीतियों को बदल सकता है। हरियाणा में हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार और शैलजा बहन शैलजा जी है, इनके हाथ मजबूत करेंगे और अपने बहुजन समाज पार्टी के जो मेरे सर्व समाज दोस्त हैं मेरे या पार्टी के वर्कर हैं वो कांग्रेस को वोट देके रेणुवाला जी को जिताएं और हुड्डा जी के शैलजा के हाथ मजबूत करेंगे तो इस हरियाणा का सुधार होगा और पब्लिक का सुधार होगा तो समाज का सुधार होगा। इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस में और रेणुवाला जी के हक में पार्टी छोड़ दिया और इनको जिताएंगे और विधानसभा में भेजें। ऐसा है, लोकसभा में एक अलहदा मैसेज था देश का, वो सेंट्रल सरकार का था। सेंट्रल सरकार की नीतियां अब साल 3 महीने हुए हैं वो भी पब्लिक को पता लग गई है अर्थव्यवस्था क्या है देश की। और खट्टर सरकार को तो इसके लिए हम हरियाणा का माहौल उसके बाद बहुत ज़्यादा बदल चुका है। एमपी की सरकार में जब थी उस टाइम इतना माहौल नहीं था, अब तो एक तरफा माहौल है और हरियाणा सरकार के खट्टर सरकार के खिलाफ है आज का माहौल। ये दो सीटों का तो मैं क्लियर कहता हूँ, सढ़ौरा और रदौर्स के, ये तो बिल्कुल फाइनल है, ये जीत में है, इसके अंदर तो कोई टक्कर वाली बात ही नहीं है। एक तरफा माहौल है, जो भाजपा सरकार के साथ लीडर सरपंच लगे हुए हैं वो सिर्फ इस कारण है भी सरपंचों का अभी एक साल पड़ा है, अगर इन्होंने मशीनों में कोई गड़बड़ी कर ली, अगर सरकार कहीं गलत तरीके से आ गई, वो डर रहे हैं। सरपंच अपना काम इसलिए बलवंत के साथ हैं और नीचे जो वर्कर है या छोटा वर्कर है सारा कांग्रेस के साथ है और वोट डाले। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के सारे जितने साथी हैं, सुरेश कांदड़ी जी भी बैठे हैं, भूखड़ी जी भी मेरे से बात हुई है, सारे जो कांग्रेस के मैं राजेश जी हैं, सारे मतलब वेद प्रकाश जी सारे बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, नरपाल जी हैं हमारे हल्का से डोर के, जो माड़े मोटे आपस में भी नाराज थे वो भी रेणुवाला जी के साथ हैं। एक तो हमारे गांव से है, गदापरा से है, हमारी बेटी भी लगती है, कईयों को बहन भी है, ये सबसे बड़ा सडौरे हलके का हमारे के खुशकस्मती है। और जिला परिषद के चेयरमैन है, 4 साल कार्य लोगों ने इनका देख लिया है, साफ सुथरी छवि के नेता है। रेणुवाला जी विधायक बन गए तो क्या उम्मीद रखते हैं? विधायक बनेगी सबसे उम्मीद हमारे को ये है कि आपके सबसे ज्यादा विकास